नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो RSM SSB की तरफ से आई है। जैसा कि मैंने आप सभी को थंबनेल के अंदर बताया, राजस्थान की एक और बड़ी भर्ती का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम जारी हो चुका है, जिसके लिए आप सभी काफ़ी टाइम से कमेंट करके पूछ रहे थे कि कब इसका सिलेबस आएगा, कब इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है। तो दोस्तों, अपन देखते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस RSM SSB के द्वारा जारी किया गया है, एंड इसके अंदर आपकी जो राजस्थान GK भी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते जो आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है, NTT की जो वैकेंसी निकली थी आपकी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी निकली थी, पूर्व प्राथमिक अध्यापक के चयन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है और ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो आपकी एग्जाम में क्या स्कीम रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा। तो आपके जो 100 नंबर का पेपर रहेगा एंड टाइमिंग रहेगी आपकी 3 घंटे की। देख लीजिए दोस्तों, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, टाइमिंग रहेगी 3 और 3 घंटे की, एंड जो आपका मिनिमम जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, जो पासिंग मार्क्स है आपके, 40% आपको लाना है, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा, और आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस रहेगा तो सिलेबस का पूरा आधार है जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम को बनाया गया, जो आप ये कोर्स करते हैं उसी के ही अकॉर्डिंग ये सिलेबस आपका बनाया गया है। तो एक जो बाल विकास का एक सब्जेक्ट रहता है, तो इसके अंदर 0 से 6 वर्ष के जो आते हैं आपकी पोषण किस प्रकार होता है, बच्चे की वृद्धि संबंधित, ये आप सभी देख सकते हैं। 15 नंबर का ये रहेगा, बाल विकास से संबंधित आएगा, जिसमें बाल विकास की परिभाषा, उद्देश्य, बाल्यावस्था की विशेषताएं, एंड इसके अंदर आप सभी देख सकते हैं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, अर्थ का महत्व। और मैं ये सिलेबस आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा जहाँ से मैं आपको बताऊँगा, एंड जो सेकेंड पार्ट आपका आएगा शारीरिक गत्यात्मक विकास का, ठीक है। तो ये वाला आपका रहेगा, और अगर आपको इंग्लिश वाला ये चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप सभी को इंग्लिश के अंदर भी ये सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी मेरे पास ये हिंदी में, अगर आप कहेंगे तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला रहेगा 10 नंबर का, ये 15 वाला ये बाल विकास वाला, तो 25 नंबर हो गए ये वाले जो शारीरिक गत्यात्मक है, जिसमें बाल बच्चों की आदतें, उनके जो शारीरिक संबंधित जो भी इसके अंदर बता रखा है, स्नान, खान पान, संयन संबंधित, ठीक है, एक ये हो गया। एंड जो हस्त कौशल विकास का अर्थ भी इसी के अंदर सम्मिलित है। एंड जो थर्ड नंबर पे आपका सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, जो आपका सोशल लाइफ रहती है उससे इससे संबंधित है, समाज एवं समुदाय, जो शिक्षण का क्या दायित्व रहता है इससे रिलेटेड आप सभी देख सकते हैं। 10 नंबर का ये हो जाएगा, एंड उसके बाद इसके अंदर आप डिटेल में देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, आप सभी को शॉर्ट में बता रहा हूँ। एंड जो भाषाई विकास है 10 नंबर का ये, एंड जो ये जिसके अंदर बच्चे की जो 6 वर्ष की उम्र में जो भाषा सिखाई जाती है, किस प्रकार उसका बोलना रहना चाहिए, क्या उसकी जो वार्तालाप है, तो इस प्रकार का इसमें बताया गया है। जो संख्या संज्ञानात्मक विकास है, तो ये भी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है, जो आपने NTT का कोर्स कर रखे है उन सभी के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। राजस्थान GK इसमें वैसे भी नहीं है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं सृजनात्मक विकास एक ये रहेगा, जिसमें आपको कल्पना सृजनात्मक विकास, तो इस प्रकार का आपका रहेगा, जिसके अंदर आपको बालोग्राफी सामग्री का निर्माण, तो किस प्रकार आपने देखा होगा जो कला शिक्षा के अंदर रहता है, खिलौने बनाना, टुकड़ों से घर बनाना, जो बच्चों को खेलने से संबंधित इसके अंदर है, जो सृजनात्मक रहता है। एंड इसी के साथ जो 7 नंबर है, विशिष्ट बच्चों के मानसिक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो हमारे दिव्यांग रहते हैं तो उन्हीं के स्टूडेंट्स, दिव्यांग स्टूडेंट्स से संबंधित ये सिलेबस है, तो 5 नंबर का ये आ जाएगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपका रूटीन है, किस प्रकार उसको आप मैनेज करते हैं, उससे से संबंधित 10 नंबर का ये रहेगा। एंड जो 9 नंबर पर आप देख सकते हैं सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया संबंधित विद्या, जो आपको मौखिक आमंत्रण, इशारों से बात करना, साथियों को सिखाना, तो इस प्रकार रहेगा 10 नंबर का ये। एंड ये दस नंबर पे है बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन, कि जो बच्चे का किस प्रकार विकास हो रहा है शारीरिक, सामाजिक, तो जो भी उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो उसी से संबंधित 5 नंबर का ये रहेगा। तो इस प्रकार का ये आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा। एंड ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर आप एक क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास ये वाली फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी, एंड जो आपका न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है 40 मार्क्स, ठीक है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके अंदर 40 मार्क्स आने चाहिए आपके। तो ये NTT का कोर्स है, आप सभी काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहते हैं। एंड दोस्तों, इसका अब एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम क्या रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आज सिलेबस जारी हुआ तो आपको कम से कम 2 महीने मिलेंगे इसकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो अभी चल रहा है आपका दिसंबर,
दिसंबर को छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी के अंदर इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मार्च के अंदर ही इसके एग्ज़ाम की आपकी संभावना बन रही है। जो आपका नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग का जो आपने फॉर्म भरा था, तो इसका जो एग्ज़ाम है आपका फरवरी के बाद ही होगा दोस्तों। एंड जैसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑफिशियल अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो ठीक है, ये आप सभी को जानकारी देनी थी जो आपका सिलेबस जारी हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो प्लीज़ कमेंट करेगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।